कि जितनी पॉलिसीज है ना सारी की सारी जबानी याद है ना, तो अपनी पंजाबी जबान में मुझे बताइए कि इसमें वॉच टाइम का आपने ऐसा करना है, आपने एक वाईफाई के ऊपर नहीं करना, तो इस हिसाब से बहुत बेहतर है। मीन कि आम लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है। मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आप इनका चैनल जो है टाइम होने तक आप कोशिश करें कि और सब्सक्राइब करें, और कुछ अच्छा आदमी है सपोर्ट करनी चाहिए, आपका कुछ नहीं जाएगा, आप सपोर्ट करें, अल्लाह इन्हें कामयाबी दे, अल्लाह आपको भी कामयाबी दे। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम आलमना है। आलमना, मैं अवान फैमिली से ताल्लुक है, जिले चकवाल से। अच्छा सर, और फिलहाल मैं यही मुकीम। लेकिन बहरहाल जी आज का सफर ये अभी आधा घंटे का जो रहा है ना, बहुत अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपका अखलाक है, आपका आला दर्जा है। शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीधी लोग। तो आज जो है मेरी तैयारी है वापसी की इंशाल्लाह, और अभी जा रहे हैं जी बस का पता करने, टिकट मिलती है या नहीं मिलती, और 1:30 बजे का बोला हुआ था, चलते हैं और पता करते हैं। सारे रोड बन रहे हैं और ऑलमोस्ट रोडों के ये हालात वाकियात है, पता नहीं कब इसके ऊपर कारपेट की लेयर डलेगी और सुख होगा। लारेडे जी बस हम लोग ये पहुँच आए हैं और अभी टिकट का पता करते हैं, मिलती है तो लेते हैं और फिर सफ़र करते हैं शुरू सरगोधा का। सरगोधा नाम कितने निकल रही है? टिकट जो है वो मिल ही रही है, लेकिन गाड़ी अभी तक जो है वो नहीं आई, आने वाली है, कह रहे थोड़ी देर तक आ जाएगी। अभी जाना घर जाते हैं और सामान ले आते हैं, 10-15 मिनट तक हो सकता है वो आ जाएगा। ये आईफोन का चार्जर, दोनों चार्जर उतार लिए, इसको डालते हैं जी बैग में। जी बैग में ये बैग में डाल दिए, और ये जो सूट केस पैक हुआ पड़ा है लेकर निकलते हैं बस। सूट केस रेडी, इधर से मैं भी तैयार, अली साहब खड़े हैं मुझे छोड़ने जा रहे हैं ये, और बाकी फिर चलते हैं। ये है जी हमारे लारेडे के पास के होटल, जो है वो मेन रोड की हालत ये है, सरगोधा रोड, और हो जाएगा ठीक इंशाल्लाह जल्दी। मेरा साजो सामान ये रहा, मैं खुद अभी पहुंचा हूं जो है वो मैं सरगोधा, और आलमोस्ट 5:05 बज गए हैं, 5:15 का टाइम है आलमोस्ट। अड्डे का व्यू कुछ ऐसा, चल सवा पाँच का टाइम हो चुका है और मौसम कुछ हद तक तो बेहतर हो गया है।
अगर कंपेयर की जाए पहले के नहीं काफी ज्यादा। ये अंकल हैं, इनके साथ मैंने जो है वो सफर किया है, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब कि आम लोग जैसे होते हैं उनसे बहुत हटके हैं। अब हालांकि ये पढ़े हुए नहीं है इतने, लेकिन ये है कि जैसा इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं, मैं आपको बताऊं इतना कि इनको यूट्यूब की जितनी पॉलिसीज है ना सारी की सारी जबानी याद है। इन्होंने अपनी पंजाबी जबान में मुझे बताई है कि इसमें वॉच टाइम का आपने ऐसे करना है, आपने एक वाईफाई के ऊपर नहीं करना, तो इस हिसाब से बहुत बेहतर है। मीन कि आम लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आप इनका चैनल जो है टाइम होने तक आप कोशिश करें कि और सब्सक्राइब करें, और कुछ अच्छा आदमी है सपोर्ट करनी चाहिए, आपका कुछ नहीं जाएगा, आप सपोर्ट करें, अल्लाह इन्हें कामयाबी दे, अल्लाह आपको भी कामयाबी दे। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम आलम ना है। मैं अवान फैमिली से तल्लुक है, जिले चकवाल से। अच्छा, और फिलहाल मैं यही मुकीम। लेकिन बहरहाल जी आज का सफर ये अभी आधा घंटे का जो रहा है ना बहुत अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपका अखलाक है, आपका आला दर्जा। शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। घर में पहुँच रहे हूँ और थक गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह घर में पहुंचा है और थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। पहले मैं सफ़र करता हूँ हिनो बस के ऊपर, डेवो बस के ऊपर, आज हिनो के ऊपर करना पड़ा है, तो बस हो गई है। मेन के एक तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगाया है, और ऊपर से मुझे थोड़ा सा बुखार था, कमर में भी दर्द है, अभी भी है। बस दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। और जो है सफ़र वैसे अच्छा रहा है, अच्छा इस तरह रहा है कि मीन के शहर में आने के बाद ये जो भी अंकल रिक्शे वाले मिले जो मैंने अभी दिखाया, तो उनसे मतलब जो ये बात वगैरह हुई, जिस तरह मुझे नहीं आइडिया था कि एक रिक्शा ड्राइवर आम उसकी इतनी चीज़ों का आइडिया होगा, मतलब काफ़ी कुछ उन्होंने बताया। अल्लाह खुश रखे उनको भी और उनके सब तमाम परेशानियां दूर फरमाए। तो आज का व्लॉग बस इतना, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ढेर सारा प्यार, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा।